हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली. सो कैप्रिकॉन, लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ. कैप्रिकॉन, यहाँ पे जिनकी भी राशि कैप्रिकॉन है या मकर राशि है उनकी ही ये रीडिंग है. जो भी गाइडेंस आएंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ. सो लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में सबसे पहले बात देखेंगे किसकी एंट्री हो रही है और कैसे होंगे वो पर्सन. ओके, सो यहाँ पे है एस ऑफ माइकल की एनर्जी, दिस वन. एंड देन यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है जो आपके लव लाइफ में आ रहे हैं वो है चैरियट की एनर्जी. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी ऐसे पर्सन से आपके लव लाइफ में मुलाकात होने वाली है, ऐसे पर्सन से आपका सामना होने वाला है जो कि बहुत ही बुद्धिमान इंसान होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहने वाले इंसान हो सकते हैं. और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एनालाइज़ करके एंड एक्नॉलेज करके लाइफ में आगे बढ़ने वाले इंसान हैं. उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ये इंसान आपके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड वंडरफुल बनाने को आ रहे हैं. आपके ये जो पर्सन है, चाहे आप दोनों के रास्ते में चाहे कितने भी बम्स आए, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, ये पर्सन आपके साथ हमेशा ही रहेंगे. ठीक है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है. तो ये कोई ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार है, जो कि आपके लाइफ को बिल्कुल कलरफुल बनाने के लिए और साथ साथ आपके लाइफ में उजाला भर देने के लिए, रोशनी भर देने के लिए आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं. सो लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होगी जब आप अपने इस न्यू पर्सन से मिलेंगे. डेफिनेटली किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, ये कोई न्यू पर्सन की ही एनर्जी है जिसकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है, जिसकी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, जो कि आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेम कथा या लव स्टोरी लिखने को आपके तरफ आ रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाले इंसान होंगे. साथ साथ ये जो पर्सन है आपके साथ, जो लव लाइफ स्टोरी होगी इस पर्सन की, ये बहुत ही ज़्यादा लव जो स्टोरी आप दोनों के बीच की होगी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो सकती है लोगों के लिए एंड सक्सेसफुल भी होगी. तो कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ में एक जॉय की ओर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जॉय की ओर बढ़ रहे हो. सो बिलीव कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और थैंक यू सो मच यूनिवर्स. ज़रूर से ज़रूर आपको लिखना चाहिए. यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए मैं कुछ और भी कार्ड्स देने वाली हूँ. कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है. सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज. टू कार्ड्स मैं यहाँ पे लूँगी आपके लिए. वाओ, दैट्स ग्रेट. सबसे पहली बात, आपके लाइफ का जितना भी कंटेंटमेंट है, ठीक है, जो अभी चल रहा है वो दुगुना होने वाला है, जो खुशियाँ हैं वो दुगुना होने वाली है. लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं आपको प्यार करने वाला या सपोर्ट करने वाला, तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके लव लाइफ में ये पर्सन तब आएंगे जब आप इस पर्सन, देखिए, आप जब इस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ लव पे भी ध्यान देना होगा. जब आप अपनी केयर करने लगेंगे, अपनी कदर करने लगेंगे, अपने आप से प्यार करने लगेंगे, तो देखोगे कि ये पर्सन बहुत ही तेज़ी से आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने लव लाइफ को सुधारना है या फिर अपने करंट रिलेशनशिप को भी सुधारना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपने करंट रिलेशनशिप में खुश हूँ या फिर मुझे अपने करंट रिलेशनशिप को ही ठीक करना है, तो सबसे पहले इसका इलाज यह है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपना केयर करें, अपने आप के बारे में जानें और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए. उसके बाद है द एम्परर की एनर्जी. तो द एम्परर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही ज़्यादा समझदार रहने वाले इंसान हो सकते हैं. अब यहाँ पर बात यह होती है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो कब तक आ सकते हैं. तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी 9 डेज़ के अंदर या फिर ये पर्सन आपको 4 डेज़ के अंदर मिल सकते हैं. अगर आपके कोई करंट पर्सन है तो अगर उनसे बातें नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, 4 डेज़ के अंदर इस पर्सन से आपकी बातें होगी या फिर 9 डेज़ के अंदर बातें होगी या फिर 10 घंटे के अंदर इस पर्सन से आपकी बातें हो सकती हैं. ठीक है, और अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन बताऊँगी कि फ्यूचर कैसा हो सकता है जो आपके लव लाइफ में आएंगे. सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स. कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन, कैसी होगी फ्यूचर. वाओ, किंग ऑफ रफेल, माइंड ब्लोइंग, दैट्स ग्रेट. आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हो कैप्रिकॉन, क्योंकि यहाँ पे यस, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सेफ रहने वाला है आपका लव लाइफ. बहुत ही जनरस, बहुत काइंड, बहुत ऑनरेबल,
डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है कैप्रिकॉन। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पर शो किया है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं और आपका डिस्काउंट ऑफर ऑन है, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा रीडिंग पे आपकी। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए।